अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि मैं उमरा करने के लिए गई हुई थी और वहीं से फिर मैं पाकिस्तान चली गई थी, सो एक लंबी ब्रेक आ गई। उमरा व्लॉग्स तो मैंने सारे बनाए हैं बट मुझे वहाँ पे एडिट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी इबादत फुल कंसंट्रेशन से करूं। लेकिन अब चूंकि मैं यूएई में वापस आ चुकी हूँ सो मैंने अपने व्लॉग्स एडिट कर ली हैं और इंशाल्लाह बैक टू बैक व्लॉग्स आपके पास आएंगे मेरे उमरा के भी और जो मैंने पाकिस्तान में थोड़ी देर स्टे किया। पाकिस्तान का स्टे भी मेरा बहुत शॉर्ट ट्रिप था। एनीवेज मैं आपको अपनी पैकिंग के बारे में बता देती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सामान नहीं रखा था, मैंने बहुत लिमिटेड सा सामान मैं अपने साथ लेके गई थी। हमारा उमरे का 10 डेज़ का ट्रिप था, लाइक हमने डेज़ डिवाइड किए हुए थे कि 5 डेज़ हम मक्का में रुकेंगे और 5 डेज़ हम मदीना में रुकेंगे। सो इसी मुनासबत से मैंने अपना जो था वो सारा सामान पैक किया था। मैंने ऑलमोस्ट अबायास जो थे वो ज़्यादा रखे थे और ड्रेसेस मेरे कम थे क्योंकि वहाँ पे आपके अबायास ज़्यादा यूज़ होते हैं और कुछ मुझे ऐसे भी लग रहा था कि वहाँ पे गर्मी होगी और स्वेटिंग होगी जिसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा अबायास भी रख लिए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का वेदर इतना कोई प्लेजेंट था, बहुत अच्छा वेदर था। सो अब ये जो मैंने आपको अभी एक बैग दिखाई है बेसिकली मेरी टॉयलेट्रीज हैं, लाइक इसमें मैंने अपने फेस वॉश और एक सीजर रखी है, इसके अलावा मॉइस्चराइजर्स हैं या ड्यूड्रेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने रखी हैं। एक मैंने सोप रखा था जो फ्रेग्रेंस फ्री हो। इसके अलावा मैंने हिजाब कैप्स और हिजाब्स भी अपने रखे थे, एक्स्ट्रा हिजाब्स भी रखे थे क्योंकि वहाँ पे अगर एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़े तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। मैंने अपनी 2 चप्पल्स रखी थी और एक मैंने अपने जॉगर्स रख लिए थे और सॉक्स के पेयर मैंने काफ़ी ज़्यादा रख लिए थे क्योंकि मुझे सॉक्स पहनने की आदत है कि अगर वहाँ पे मैं विदाउट शूज़ भी चलूँ तो मुझे फिर सॉक्स से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो सॉक्स के पेयर भी मैंने काफ़ी सारे रख लिए थे। ये मेरी हिजाब कैप्स हैं। इसके अलावा मैंने हम लोग जनवरी के लास्ट पे गए थे, मैंने अपने लिए एक स्वेटर भी रखा था और जर्सी भी रख ली थी, एहतियातन रखा था कि शायद वहाँ पे सर्दी हो। बट मोस्टली लोग यही कहते हैं कि मक्का का जो वेदर है वो थोड़ा सा गर्म होता है और मदीना में सर्दी होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मक्का में भी मौसम बहुत प्लेजेंट था, बहुत खुशगवार था, बल्कि हल्की सी सर्दी महसूस हो रही थी। अच्छा, ये मैंने ना एहतियातन एक बॉक्स में, नेल कटर तो मैंने रखना ही था, मैंने सुई धागा और सेफ्टी पिन्स भी रख ली, एहतियातन रखी हैं कि शायद मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़े। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स मैंने रखी हैं, पेन किलर्स मैंने रखी हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस होती है। पैनाडोल मैंने अपने साथ में लेके गई थी। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है बट मैं बैग अभी पैक नहीं करूँगी कि शायद मुझे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़े रखने के लिए। इसके अलावा ये एक और बैग मैंने लिया है पीछे हैंग करने के लिए, ये बहुत लाइट वेट ये बैग है, छोटा सा, और इसके अंदर मैं अपना बाकी कोई ज़रूरत का सामान रखूँगी लाइक पासपोर्ट्स रखूँगी और मोबाइल फ़ोन्स, या अगर मुझे वहाँ पे हरम में स्लीपर्स अपने रखे हुए तो मैं इस बैग के अंदर रखूँगी। सो ये क्लिप्स नेक्स्ट मॉर्निंग के हैं। हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अपना सारा घर समेटा और ये भी बिल्कुल क्योंकि मैं मेक श्योर किया कि मेरा घर बिल्कुल भी गंदा मैं ना छोड़ के जाऊँ, बिल्कुल साफ़ सुथराई करके जाऊँ क्योंकि वहीं से मुझे जो नेक्स्ट मेरी फ़्लाइट थी वो पाकिस्तान की थी। सो घर का साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ़्री हो चुकी हूँ और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है एयरपोर्ट के लिए और हम लोग टाइम से पहले ही निकले हैं क्योंकि यहाँ पे दुबई में ट्रैफिक का बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं होता, सो पहले निकलना ही अकलमंदी भी है और सेफ़ भी है। और घर से आते हुए मेरी जो फीलिंग्स और इमोशंस बहुत अजीब से हो रहे थे, लाइक मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं उमरा के लिए जा रही थी, घर वालों से बात की और हमारी दुबई टू जद्दा फ़्लाइट है 7 PM पे, सो हम लोग तकरीबन 3 घंटे पहले ही हम लोग एयरपोर्ट से निकल पड़े थे ताकि हमें कोई ट्रैफिक ना मिले और सेफ भी यही होता है कि आप थोड़ा पहले घर से निकलें। सो हम लोग बहुत स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच गए थे, हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और हमने टर्मिनल 1 पे जाना था क्योंकि हमारी दुबई टू जद्दा फ़्लाइट थी और टर्मिनल 1 तक जाते जाते हमें 30 मिनट्स तो लगे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन हर चीज़ टाइम पे हो गई थी, फ़्लाइट ऑन टाइम थी, किसी भी चीज़ में डिले नहीं था, बोर्डिंग पासेज हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। सो स्मूथली हर चीज़ होती रही। मैं घर से निकलते हुए काफ़ी टेंस थी
और फिर एयरपोर्ट पे आके मैंने मगरिब की नमाज़ भी अदा की और अपनी उम्रा की नियत भी की, अहराम बांधा। हस्बैंड ने तो घर से ही अहराम बांध लिया था, लेकिन मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के एयरपोर्ट पे फिर मैंने अहराम की नियत की थी। मैंने अहराम के बारे में काफ़ी लोगों से पूछा था कि फ़्लाइट में भी अनाउंसमेंट होती है अहराम की नियत करने के लिए, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने यही सजेस्ट किया था कि आप एयरपोर्ट पे अहराम की नियत करके बैठें, क्योंकि यही ज़्यादा सेफ़ है और ड्यूरिंग फ़्लाइट समटाइम्स आपको नहीं भी आइडिया होता। सो मैंने एयरपोर्ट पे ही अहराम की नियत कर ली थी। प्लेन में बैठते ही हस्बैंड तो थोड़ी देर बाद सो गए थे और मुझे इतनी जल्दी ट्रैवलिंग करते हुए नींद नहीं आती। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, बट हमारी इतनी कोई लंबी फ़्लाइट भी, जस्ट 3 आवर्स की हमारी फ़्लाइट थी जद्दा के लिए और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। वैसे मेरी ये आदत है, मैं जब भी दुबई से ट्रैवल करती हूँ तो मैं लाजमी ये व्यू को कैप्चर करती हूँ। आई डोंट नो, मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा मेसमराइजिंग लगता है और मुझे लगता है कि मैं कभी भी इस व्यू से बोर नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं और जद्दा एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत था। ये इतना प्यारा फ़िश एक्वेरियम बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत मुझे एयरपोर्ट लगा। यहाँ से हम लोग पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि हम टैक्सी लेके जाएंगे और यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव थे सऊदी अरब में, उन्होंने टैक्सी अरेंज की हुई थी हमारे लिए। सो हमें बिल्कुल भी जद्दा एयरपोर्ट पे वेट नहीं करना पड़ा। मैंने पहले काफ़ी स्टोरीज़ लोगों की सुनी हुई थी कि जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत लंबी लंबी क्यूज़ होती हैं, वेट करना पड़ता है, बट सरप्राइजिंगली हमें हमारा लगेज भी बिल्कुल टाइम पे मिल गया और हमें उन भाई की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी जिन्होंने हमें जद्दा से मक्का लेके जाना था। सो बस जल्दी से हमने अपना लगेज लिया और हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। मैं बस कुछ क्लिप्स जल्दी जल्दी में बनाती रही क्योंकि मुझे एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत लगा। और घर से तो हमने सोचा था कि हम अलबैग ज़रूर ट्राई करेंगे जद्दा एयरपोर्ट पे, बट हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हमने अपना लगेज लिया और हम लोग बाहर आ गए क्योंकि बाहर भाई हमारा वेट कर रहे थे जिन्होंने हमें मक्का लेके जाना था। और हमने ऑनलाइन ही अपनी होटल की हर चीज़ की बुकिंग करवाई हुई थी और इन भाई ने हमें मैक्सिमम 55 मिनट्स में हमें मक्का पहुँचा दिया था। और फिर हमने होटल में चेक इन किया, अपना लगेज रखा, अब थोड़ा सा फ्रेश हुए और फिर हम लोग हरम की तरफ आ गए टैक्सी लेके ही, क्योंकि हमें फ़र्स्ट है तो बिल्कुल भी रास्तों का इलम नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं अपनी फीलिंग्स इमोशंस बयान ही नहीं कर सकती जो उस टाइम पे मेरे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का का वेदर बहुत ही प्लेजेंट था। इवन रात के इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, वरना यूजुअली जो लोग वहाँ से आते हैं वो यही कहते हैं कि मक्का का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है मदीना के कंपैरेटिवली, वहाँ पे गर्मी होती है, लेकिन जब हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पर बहुत अच्छा सर्दी महसूस मुझे हो रही थी, इतनी अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आते ही सबसे पहले उमरा अदा किया और खाना काबा को देखते हुए जो मेरे आंसू थे वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि अपने घर बुलाया। और उमरा अदा करते करते हमें तकरीबन फजर की अजान हो चुकी थी। फजर की नमाज़ अदा करके कुरान पाक की तलावत करके आप यकीन माने कि मेरा तो वहाँ से निकलने को दिल ही नहीं करता था और दिल करता था कि बस वहीं पे बैठे रहें, वहीं पे सारा टाइम गुजरता रहे। लेकिन अब वहाँ का सिस्टम ऐसा हो चुका है कि जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है तो वहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी है वो आपको फ़ौरन से उठाने लग जाती है, वहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से आपको फिर वहाँ से उठना पड़ता है, निकलना पड़ता है। एनीवेज़ अराउंड 7 o'clock हम लोग अपने होटल की तरफ चल पड़े हैं और यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।